हेलो स्टूडेंट्स, आज असी चैप्टर स्टार्ट करते हैं फोर्थ एक्सपोनेंट्स। तो सब तो पहला लिखेंगे असी एक्सपोनेंट का मतलब की है। तो हुण तक आप कर चुके हैं कि एक्स नू मल्टीप्लाई करते हैं एक्स नाल, तो आंसर क्या होता है एक्स स्क्वेयर मीनस एक्स की पावर टू। ओके, तो ये क्यों होता है? बिकॉज ये एक्स लिखा हुआ है तो एक्स का मतलब है एक्स रेज टू पावर वन। ठीक है, और इस एक्स का भी की मतलब है एक्स रेज टू पावर वन। वन पावर असी कदे मेंशन नहीं करते, असी सिंपली लिख देने। तो एक्चुअली इसकी पावर जो है वन वन है। तो मल्टीप्लाई करने जो ये पावर है वन प्लस वन, ये पावर ऐड हो जाएगी। तो वन प्लस वन की होएगा टू। सो इसलिए एक्स स्केयर के इक्वल होंगे मीनस एक्स रेज टू पावर टू। क्लीयर। और सेम वे दे विच अगर असी लिखिए एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स थ्री टाइम्स, तो वन प्लस वन प्लस वन, थ्री टाइम्स वन वन पावर ऐड होएगी, तो ये क्या आएगा एक्स रेज टू पावर थ्री। सेम एज एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, फोर टाइम्स लिख रहे हैं, तो एक्स रेज टू पावर की आएगी फोर। ओके, तो एक्स की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज अपने को टू है, सो टू इंटू टू लिखे, तो इसनों की लिख सकते हैं टू रेज टू पावर टू। सिमिलरली टू इंटू टू इंटू टू अगर असी थ्री टाइम्स लिखा हुआ है तो टू रेस टू पावर की आएगा थ्री आएगा। तो सेम वे दे विच असी किसी भी नंबर नू पावर दे विच एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन दे विच देखो जो नंबर है ये नंबर टू, इसनों असी कहने बेस, और जो इसकी पावर है थ्री, तो इसनों असी पावर कह सकते हैं सिंपली, या फिर असी इसनों कह सकते हैं एक्सपोनेंट। ओके, क्लियर है? तो एक्सपोनेंट मीनस की है इस जो पावर है। इस तो बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं असी। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दिस एज पावर ऑफ फाइव। इस नंबर नो असी फाइव की पावर दे विच एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो दिस मीनस असी फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इस तरीके नाल समथिंग लिख सकते हैं। तो पहले असी देखेंगे इस दे विच किन्ने वार असी फाइव लिख सकते हैं। तो इस दे पहला असी फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स बनाने लिए देखो फाइव की पावर दे विच लिखना है, दिस मीन दे फाइव नाल नंबर डिवाइड होएगा, तो इस नंबर नू फाइव नाल डिवाइड करना है। अगर तुसी डायरेक्टली लिख सकते हो तो दैन ओके, अदरवाइज तुसी डिवाइड करके इस तरीके नाल नाल एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, पहले थ्री ते जाएगा फिफ्टीन, दैन सिक्स, वन ते फाइव, दैन वन, टू, टू ते जाएगा टेन, दैन टू अगेन, फाइव नीचे आएगा एंड फाइव ते जाएगा ट्वेंटी फाइव, लाइक दिस। ठीक है, तो एक इन आंसर आएगा थ्री वन टू फाइव, अगेन फाइव ते जाएगा, फाइव नाल एक बार फिर तू डिवाइड करो, तो नेक्स्ट अपने को लेके आएगा सिक्स ट्वेंटी फाइव, अगेन फाइव नाल डिवाइड करेंगे तो वन ट्वेंटी फाइव, अगेन फाइव नाल डिवाइड होएगा ट्वेंटी फाइव, अगेन फाइव नाल डिवाइड होएगा फाइव, अगेन फाइव नाल डिवाइड होएगा वन। तो जदों तक लास्ट वन आएगा उदों तक असी डिवाइड करांगे। ओके, तो हुण देखो फाइव फाइव किन्ने बार है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स टाइम्स आ रहा है फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव। ठीक है, तो सिक्स टाइम्स लिखना और इसका आंसर क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू फाइव रेज टू पावर सिक्स। ओके, और ये नंबर असी जो इस नंबर में एक्सप्रेस किया तो असी पहला ही लिखेंगे वन फाइव सिक्स टू फाइव, सो दिस इज इक्वल्स टू दिस, दैन इस की लिख सकते हैं फाइव रेज टू पावर सिक्स, बिकॉज ये सिक्स टाइम्स है। ओके, दैन नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जस्ट असी वैल्यू फाइंड आउट करनी है फोर रेज टू पावर फाइव की। तो फोर रेज टू पावर फाइव का की मतलब है? दिस मीनस असी फोर नू लिखना है फाइव टाइम्स, तो फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर, फाइव टाइम्स लिखेंगे, दैन सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख दो। इसनों की आएगा फोर नू फोर ना मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटीन, और सिक्सटीन अगेन फोर ना मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटी फोर। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर नू अगेन फोर ना मल्टीप्लाई करो, दिस इज सिक्सटीन, वन कैरी, ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव। ठीक है, इस वाले फोर नाल अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो की आएगा ट्वेंटी फोर, फोर टू कैरी, ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी टू, दैन अगेन टू कैरी,
टू इंटू फोर एट, एट प्लस टू 10, सो दिस इज 1024। ओके क्लियर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्रेस द फॉलोविंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जो असी पावर्स लिखते हैं तो पावर्स वाली जो फॉर्म है वो ही अपने कोल की होंगी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म होंगी है, ठीक है। तो इसनों असी पावर दे विच एक्सप्रेस करना है, तो इसनों की लिख सकते हैं, फोर फोर लिखा हुआ है, कितने टाइम लिखा हुआ है, फोर टाइम्स, तो दिस मीनस फोर द पावर फोर लिख सकते हैं, तो ये इस दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। दैन इस नंबर नू एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे विच, तो देखो इतने एक एन यूज होया एंड एक पी यूज होया, तो दोनों असी डिफरेंट पावर दे विच लिखांगे, तो एन किन्ने बार लिखा हुआ है, थ्री टाइम्स, सो एन रेज टू पावर थ्री आएगा, एंड पी किन्ने बार लिखा हुआ है, सिक्स टाइम्स, तो पी रेज टू पावर सिक्स आएगा। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, एक्सप्रेस द फॉलोविंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इस नंबर नूं असी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे विच ही लिखना है, ठीक है, दिस मीनस पावर्स दे विच, तां 216 है, 216 दे पहले असी फैक्टर्स बनावांगे, दैन इस नूं एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबरस एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे विच, मीनस पावर लिख के। तो सब तो पहला देखो ये किस ते डिवाइड होएगा, तो यह जो नंबर है टू नाल डिवाइड हो रहा है, सब तो पहला सब तो छोटे नंबर ना चेक करना है, ठीक है, टू नाल असी इसनों डिवाइड करांगे तो की आएगा 108, अगेन टू नाल डिवाइड हो जाएगा तो टू नाल डिवाइड करके आएगा 54, अगेन टू नाल डिवाइड होएगा तो टू नाल डिवाइड करके आएगा 27, अगेन ये टू तो नहीं जाएगा, हुण ये थ्री नाल डिवाइड होएगा तो थ्री नाल डिवाइड करके आएगा 9, अगेन थ्री नाल डिवाइड करांगे 3, अगेन थ्री नाल डिवाइड करांगे तो 1। ओके दैन हुण देखो असी 260 नूं असी की लिख सकते हैं, दिस इज 2 × 2 × 2, दैन अगेन 3 × 3 × 3, तो 2 किन्ने बार आया, 3 टाइम्स, सो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 किन्ने बार आया, 3 टाइम्स, सो 3 रेज टू पावर अगेन 3। तो इस तरीके असी इसनों एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के। नैक्सट है क्वेश्चन 5, विच ऑफ विच वन इज़ ग्रेटर ऑफ द फॉलोविंग। ये दो नंबरस है, इन्होंने दोनों के असी दसना है ग्रेटर की है, तो देखो 5 रेज टू पावर 3 है एंड 3 रेज टू पावर 5 है, अगर अपने को सेम नंबर की पावर होवे तो असी पावर नू कंपेयर कर सकते हैं, बट जा फिर पावर सेम होवे तो असी नंबर नू कंपेयर कर सकते हैं, बट इतने नंबर भी डिफरेंट है और पावर्स भी डिफरेंट है, सो इसनू कैलकुलेट करके ही असी दस सकते हैं कौन केड़ा नंबर ग्रेटर होएगा। तो 5 रेज टू पावर 3 है, तो इसनों की लिख सकते हैं, मीनस 5 नू लिखना है असी 3 टाइम्स, दिस मीनस 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 125। दैन 3 रेज टू पावर 5, तो 3 रेज टू पावर 5 नू की लिखना, 3 नू लिख सकते हैं 5 टाइम्स, तो मीनस 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 नू मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 × 3 27, 27 × 3 81 81 × 3 243, ठीक है। तो इन्हां दे विचों हुण कंपेयर कर सकते हैं, 125 एंड 243 दे विचों ग्रेटर नंबर की है, 243 ग्रेटर है, सो दिस मीनस जो अपने को नंबर है 3 रेज टू पावर 5 ये नंबर ग्रेटर है। नैक्सट क्वेश्चन है 6, एक्सपेंड दिस आर दे ऑल सेम। पहला असी इसनों एक्सपेंड करके लिखांगे और बाद विच असी ये दसना है कि ये सारे सेम नंबर है जां डिफरेंट नंबर है। तो देखो एक्सपेंड किवें करना है, ए रेज टू पावर 3 बी रेज टू पावर 2 है, तो ए दी पावर है 3, सो दिस मीनस ए नूं असी 3 टाइम्स लिखांगे, बी रेज टू पावर 2 है तो बी नूं 2 टाइम्स, अगेन ए स्केयर बी रेज टू पावर 3, सो ए दी पावर 2 है सो दिस मीनस 2 टाइम्स, बी रेज टू पावर 3 है सो बी नूं 3 टाइम्स लिखना है। ओके नैक्सट है बी रेज टू पावर 2 ए रेज टू पावर 3, सो नाउ बी 2 टाइम्स एंड ए 3 टाइम्स। नैक्सट है लास्ट बी रेज टू पावर 3 ए रेज टू पावर 2, सो हेयर बी 3 टाइम्स
एंड ए टू टाइम्स। ठीक है, और हुण तुसी देख सकते हो ये सारे सेम है या नहीं है, असी सारे दसने हैं। तो इतने देखो ए थ्री टाइम्स है, ए टू टाइम्स है, बी इतने टू टाइम्स है, इतने की अपने को थ्री टाइम्स है। तो ये सेम हो सकते हैं नहीं हो सकते? अगर ये दोनों ही सेम नहीं है तो सारे सेम तो हो ही नहीं सकते ना। सो दिस मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, नो, ये सारे जो है वो सेम नहीं है। सेवंथ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। 1200 है, इसनों असी इसे प्राइम फैक्टर दी पावर्स दे विच लिखना है। ठीक है, तो सिंपली मीन्स असी इसके फैक्टर्स बनाने हैं 1200 दे। सब तो पहले टू ते जाएगा, तो जाएगा 600, दैन अगेन टू ते, दैन 300, अगेन टू नाल डिवाइड करेंगे 150, अगेन टू नाल डिवाइड करेंगे सो दिस इज 75, अगेन टू तो बाद ये थ्री ते जाएगा और ये आएगा 25, और उस तो बाद होने फाइव ते जाएगा तो फाइव आएगा, अगेन फाइव ते जाएगा तो वन आएगा। ठीक है, तो असं इस ऑर्डर दे विच ही चेक करना है, पहला टू ते चेक करेंगे, दैन अगर टू ते नहीं जा रहा दैन थ्री ते चेक करेंगे, अगर थ्री ते नहीं जा रहा दैन फोर ते चेक करना है। तो मतलब फोर ते करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टू ते नहीं जा रहा तो फोर ते नहीं जाएगा। तो जस्ट प्राइम नंबरस, तो प्राइम नंबर टू तो बाद थ्री है, थ्री तो बाद फाइव है। तो इस तरीके नाल असी जो नंबर है अगे अगे चेक करते जाना है। ठीक है, तो हुण असी इसनों की लिख सकते हैं, 1200 नूं असी लिख सकते हैं टू टू टू, फोर टाइम्स है, फोर टाइम्स टू मल्टीप्लाई बाय टू, एंड दैन अगेन थ्री है, और थ्री तो बाद नैक्सट है फाइव टू टाइम्स। तो इसनों एक्सप्रैस करना है पावर के विच, तो टू अपने कोल है फोर टाइम्स, सो टू रेज टू पावर फोर, एंड थ्री, थ्री ओनली वन टाइम है सो सेम एज, एंड फाइव है टू टाइम्स सो दिस मीन्स फाइव रेज टू पावर टू। दैन नैक्सट क्वेश्चन है एट्थ, एट्थ क्वेश्चन के सिंपली कैलकुलेट करके दसना है, इन्हें सिंपलीफाई करना है। तो की लिख सकते हैं अं, टू रेज टू पावर फोर, दिस मीन्स टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, एंड थ्री जो है वो टू टाइम्स है, दिस मीन्स थ्री इंटू थ्री। तो देखो अगर इस कैलकुलेट करेंगे तो टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू एट, एट इंटू टू सिक्सटीन, मल्टीप्लाई बाय थ्री इंटू थ्री नाइन, सिक्सटीन नू नाइन ना मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 144। ओके, देन नेक्स्ट है माइनस थ्री रेस टू पावर टू, तो माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, ठीक है, टू टाइम्स, अगेन माइनस फाइव रेस टू पावर टू, तो दिस मीन्स माइनस फाइव नू टू टाइम्स लिखना है। ओके, हुण जो नैगेटिव साइनस है उन्होंने देखो किस तरीके नाल कैलकुलेट करना है। जदों भी असीं दो नैगेटिव साइन नू मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, दिस मीन्स ए माइनस नाल ए माइनस प्लस हो जाएगा, और ए वाले माइनस नाल ए माइनस प्लस हो जाएगा। सो जो साइन नैगेटिव है वो साढ़े को सारे साइन कैंसल हो चुके हैं, तो जस्ट असी इसनों मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इसनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, थ्री थ्री नाइन, एंड फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव, और नाइन नू ट्वेंटी फाइव नू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 225। नैक्सट क्वेश्चन के असी यह दसना है कि इन्होंने दोनों नंबर के ग्रेटर नंबर की है। ठीक है, तो इन नंबरस दसन ले देखो पहला 10 रेस टू पावर 12 है, 10 रेस टू पावर 13 है, तो पहला इस देखने आप कि किन्ने जो है डिजिट होंगे, तो डिजिट काउंट करने हैं। जो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर हो इस तरीके पावर्स एक्सप्रैस है, तो आप डिजिट काउंट करके दसेंगे कौन कि नंबर ग्रेटर है। ठीक है, तो बिकॉज असी देख सकते हैं अगर मैं एक नंबर लिखा नाइन और इधर नंबर है वन फाइव, ठीक है, तो दोनों के बीचों के नंबर ग्रेटर है, 15 ग्रेटर होएगा, और बिकॉज इस को वन डिजिट है इस को टू डिजिट है, डिजिट ग्रेटर है तो नंबर भी ग्रेटर है। और अगर मैं इतने 15 लिखा और थ्री वन कोई भी नंबर लिख सकते हैं, इस टू डिजिट है, इस थ्री डिजिट है, ठीक है, और नंबर ग्रेटर कि नंबर ग्रेटर है। तो इस तरीके कोई भी नंबर तुम लिख के देख सकते हो, जिस नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होंगे उ नंबर की होएगा ग्रेटर नंबर होएगा। इस तरीके असी ग्रेटर नंबर इस तरीके चैक कर सकते हैं, जिद डिजिट ज़्यादा तो वह नंबर की होएगा ग्रेटर नंबर। तो हूँ असी चैक करना इस किन्ने डिजिट हो गए, तो देखो एक बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जस्ट, अगर फाइव नू मैं 10 ना मल्टीप्लाई करा तो की आएगा 50 आएगा, अगर फाइव नू मैं 100 ना मल्टीप्लाई करा, 100 मतलब टू
10^2, ठीक है, तक ही आएगा, 500 आएगा। अगर 5 नो मल्टीप्लाई करा, 5 10^3, 10^3 मतलब 1000, 3 जीरोस तक ही आएगा, 5000 आएगा। ठीक है, तो हम तुसी इस तरीके नाल चेक कर सकते हो कि 10^1 है तो 5 नाल 1 जीरो आ रही है, 10^2 है तो 2 जीरो आ रही है, एंड 10^3 है तो इतने 3 जीरोस आ रही है। ठीक है, और इस नू डायरेक्टली सॉल्व करने का मेथड की है, अगर ये चेक करना हो कि इस टर्म के नंबर ऑफ डिजिट किन्ने हैं, तो 10^12 है तो 12 जीरोज़ होंगी इस नंबर के, ठीक है, इस तरह 12 जीरोज़ होंगी और एक 5 होएगा। ठीक है, तो 12 + 1 13, तो इस दे विच जो डिजिट होंगे वो किन्ने हैं, 13 डिजिट। एंड सिमिलरली इस नंबर के देखना है 6 × 10^13, तो तुसी सिंपली लिख सकते हो एक नंबर ए है, एक डिजिट ए है 6, और 10^ किन्नी है 13, 13 ए है, तो ऐड करेंगे 13 + 1 14, तो इस दे विच डिजिट किन्ने होंगे, 14 डिजिट। और दोनों के डिजिट किस दे विच वध है, 14 डिजिट इस दे विच वध है, सो दिस मीनस ए वाला नंबर जो है वह ग्रेटर नंबर है। क्लीयर। और इस तरीके नाल अगर असी इस तरीके का चेक करना है, इस दे विच पॉइंट्स है, तो पॉइंट नू पहला असी रिमूव करांगे, दैन असी दसांगे उस दे विच किन्ने डिजिट है। ओके, तब इस दे विच 1.8 × 10^12 है, तो 10^12 दिस मीन्स की है कि 10 नू असी 12 टाइम्स लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10। ठीक है, तो इस दे विचों अगर मैं एक 10 नू डिफरेंट करके लिखा तो दैन की हो जाएगा, इतने 10^ किन्नी रह जाएगी, 11 रह जाएगी। ठीक है, बिकॉज टोटल 12 टाइम्स लिखना सी, 1 टाइम सैपरेट करके लिखा हुआ है तो बाकी 11 टाइम्स लिखा हुआ है। ओके, दैन हुण असी इन्हां दोनों नू अगर मल्टीप्लाई करिए तो की आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन लास्ट चैप्टर से ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, पॉइंट्स वाले नंबर नू 10 नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10^11। हुण तुसी दसो इस दे विच किन्ने डिजिट होंगे, तो डिजिट काउंट करने हैं तो की आएगा, 1 8 2 डिजिट है इस दे विच, प्लस 10^11 है, तो इस दे विच डिजिट किन्ने हैं, 11 है। ठीक है, तो 11 + 2 किन्ना होया, 13, तो इस दे विच 13 डिजिट है। ओके, सिमिलरली असी दूसरे विच चेक करांगे, 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10^9, तो इस दे विचों भी असी 10 दी एक पावर पहला सैपरेट करांगे, दैन बाकी पावर रह जाएगी, एक पावर माइनस कर दो, 8 रह जाएगा। ठीक है, तो दैन इस नू मल्टीप्लाई करांगे तो की आएगा, 37 मल्टीप्लाई बाय 10^8। हुण इस दे विच डिजिट चेक करो, 37 च किन्ने डिजिट है, 2 डिजिट है। ओके, एंड 10^8 है, तो इस दे नाल जीरोज होणगियां, जो किन्नियां जीरोज होणगियां, 8 जीरोज, तो 2 + 8 किन्ना आया, 10, तो इस दे विच 10 डिजिट होणगे। ठीक है, तो हुण दोनों दे विचों डिजिट कंपेयर करो तो 13 डिजिट जिहड़े है वो ज़्यादा है, तो दिस मीनस की होएगा, ए वाला जो नंबर है वो ग्रेटर नंबर होएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।